गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। लास्ट टॉपिक में हमने बेटा 13 चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ट्रायंगल्स और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में और एंगल्स एंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटर्स। तो ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटर में फ़र्क क्या है? ट्रायंगल क्या होती थी? थ्री लाइन सेगमेंट से बनती थी, और वो क्लोज्ड फिगर जो फोर लाइन सेगमेंट से बनती है उसको हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। जैसे ये बनी हुई है आपकी पी क्यू आर एस, इसमें फोर लाइन सेगमेंट्स आ रही हैं पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी। ठीक है, तो ये चारों लाइन फिगर्स लाइन सेगमेंट्स एक क्लोज फिगर बन रही है, ऐसी क्लोज फिगर को आप बोलते हो क्वाड्रिलेटर्स। एलिमेंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटर मींस क्वाड्रिलेटर के पार्ट्स, एक तो उस पर होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स वो पॉइंट है जहाँ दो साइड्स आके मीट करती हैं, जैसे पी पी पे एक एस पी साइड मीट कर रही है और एक क्यू पी साइड मीट कर रही है। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मीन्स दैट शेयर अ कॉमन वर्टेक्स, जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन होगा, जैसे यही पी क्यू एंड पी एस। तो इन दोनों साइड्स में पी कॉमन आ रहा है, सो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। ऑपोजिट साइड, जिनमें कोई भी वर्टेक्स कॉमन, तो ऑपोजिट साइड वो साइड्स हैं जिसमें कॉमन वर्टेक्स नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल पी क्यू एंड आर एस, क्यू आर एंड एस पी, इनमें अपने अपने वर्टेक्स आ रहे हैं। देन एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल भी वही होगा जिसमें कॉमन आर्म आएगी। अब ये कॉमन आर्म्स वर्टेक्स तो आपने फिफ्थ में भी पढ़े थे एंगल की नेमिंग में, तो जैसे एंगल पी में, ठीक है, एंगल पी और एंगल एस रख लो। एंगल पी में कौन सी आर्म्स आ रही हैं? पी क्यू एंड पी एस, और एंगल एस में पी एस एंड एस आर। तो दोनों में पी एस पी एस कॉमन है, सो एंगल पी एंड एंगल एस जो हैं एडजेसेंट हैं। ऐसे और भी हो सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स जिसमें कोई कॉमन आर्म नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल पी ऑपोजिट टू आर, एंगल पी ऑपोजिट टू एंगल आर, एंड एंगल एस ऑपोजिट टू एंगल क्यू। डायगनल्स जो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, वो लाइन सेगमेंट्स जो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने से बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल पी टू आर एंड क्यू टू एस, ये हो गए एक क्वाड्रिलेटर के एलिमेंट्स मीन्स उसके पार्ट्स। कन्वेक्स एंड कनकेव क्वाड्रिलेटर्स, कन्वेक्स एंड कनकेव क्वाड्रिलेटर क्या होती है? कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर वो क्वाड्रिलेटर है जिसमें विच इज इन विच द मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, हर एंगल 180 से कम होगा। अब आपने एंगल्स की नेमिंग जो है फिफ्थ में भी पढ़ी है, जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 का होता है, मतलब जिसमें हाफ सर्कल बनता है। तो ये सारे एंगल्स 180 से कम के हैं, सो ये एक होती है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटर जिसमें सारे एंगल 180 से कम होते हैं। कनकेव क्वाड्रिलेटर कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल जो होगा वो 180 का होगा। जैसे उन्होंने इस शेप में बनाया, पी क्यू आर एस लिए शेप, पी को स्लाइटली बेंड कर दिया हुआ है मिड में से, तो मिड में से बेंड होने पर वो पी जो है वो स्ट्रेट एंगल स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल बन रहा है, तो वो पी एंगल 180 बन रहा है। इट मीन्स ये वाली क्वाड्रिलेटर आपकी कनकेव है। ठीक है, अब देखो बच्चे, 180 से मोर होगा, नॉट इक्वल्स टू 180, इज मोर देन 180, इनमें से एक एंगल 180 से ज्यादा होगा। अब आता है डायगनल्स, तो इसमें भी वही होते हैं जो ऑपोजिट साइड्स को मीट करने से, ऑपोजिट वर्टेक्स को मीट करने से बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। जैसे आपने ट्रायंगल के केस में एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वैसे ही क्वाड्रिलेटर के केस में, तो क्वाड्रिलेटर्स के केस में सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर होता है 360 डिग्री। मतलब क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स को ऐड करने पर कितना सम आता है? 360 डिग्री। ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। जैसे आपने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ी थी, ऐसे ही आप डिफरेंट टाइप की क्वाड्रिलेटर्स पढ़ोगे। उन्होंने एक सिस्टमेटिक वे में आपको फैमिली ट्री बना के दिया क्वाड्रिलेटर्स का, बहुत अच्छे से समझाया है। इस पे एक लुक देते हैं। देखो क्वाड्रिलेटर, उसको तीन कैटेगरीज में बांट दिया, पैरेललोग्राम, काइट, ट्रेपेजियम। ठीक है जी, पैरेललोग्राम दो टाइप के हैं, रेक्टेंगल एंड रोम्बस, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। काइट में भी टाइप है रोम्बस,
काइट कौन सी टाइप का पैरेलल, सॉरी क्वाड्रिलेटर है? रॉम्बस। ट्रेपीजियम में कोई टाइप नहीं है। देन आगे रिक्टेंगल और रॉम्बस की एक और टाइप बन रही है स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, अब आप इन चारों पांचों के डिफरेंट टाइप की क्या प्रॉपर्टीज क्या हैं इन सब में वो डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले पढ़ते हैं पैरेललोग्राम। अब आती है बेटा पैरेललोग्राम। सबसे पहले आप देखो पैरेललोग्राम की शेप, स्लाइटली सीधा नहीं है पैरेललोग्राम, टेढ़ी लाइन सेगमेंट्स तो सीधी जा रही हैं, बट उनके कॉर्नर्स जो हैं उसको थोड़ा स्लाइटली टेढ़ा किया हुआ है, घुमाया हुआ है हल्का सा, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है वो। तो ये होती है पैरेललोग्राम की शेप। अब पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज। पैरेललोग्राम फोर साइड की फिगर है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। अब बेटा जी पैरेलल, पैरेलल क्या होता है? एक जैसा, ठीक है जी, एक जैसी जो दिखे, दिखने में बिल्कुल सेम लगे। जरूरी नहीं है उनकी साइज सॉरी मेजरमेंट सेम हो, बट वो होगी क्या, देखने में एक जैसी होगी। ठीक है, तो वो होती हैं पैरेलल साइड्स। तो इसकी ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड डी सी इक्वल्स टू ए बी, क्योंकि ये सारे आपस में और ऑपोजिट हैं। इन दो इसके डायगनल्स दो जो है, डायगनल समझते हो ना, दो ऑपोजिट वर्टेक्स को मीट करने पर जो लाइन सेगमेंट बनती है वो क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट याद है आपको? बाइसेक्ट करना मीन्स दोनों डायगनल्स खुद को सेंटर में से इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे देखो ए सी मिड इसका ओ है, तो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ओ ए ओ सी के इक्वल होगा, ऐसे ही बी ओ ओ डी के या डी ओ के इक्वल होगा। ठीक है, ये होता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करना मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। आगे है बेटा ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। एग्जांपल एंगल जैसे उन्होंने लिखा हुआ है डी ए बी, मीन्स ये वाला वो इक्वल होगा बी सी डी के, क्योंकि ए और सी एक दूसरे के ऑपोजिट है। सिमिलरली बी एंड डी एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये दोनों इक्वल हैं। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। ठीक है बेटा, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री का मतलब है जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे, मीन्स जो कॉमन आर्म शेयर करेंगे, उन दोनों का सम 180 होगा। एग्जाम्पल ए प्लस एंगल डी 180 के इक्वल, एंगल डी प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल बी 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल ए 180 डिग्री। जो आपस में एडजेसेंट हैं वो सबका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये था पैरेललोग्राम और उसकी कुछ प्रॉपर्टी।